बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। वो ये है कि जैसे 9 से 12 वो सेमेस्टर आधारित हो जाएगा, साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, 10वीं और 12वीं में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, ऑब्जेक्टिव इम्तिहान होंगे। ये मुझे लग रहा है जो सारी परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चा ऐसा चल रही है, इस पर आप लोग बात करते बात होती रही होगी, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फोकस करना नहीं चाहता। एक मुझे लगता है जिस हमारे यहाँ हायर जो एडमिशन होते थे, तो अब जैसे आप शाहजहांपुर में हैं तो स्वामी शिवदेवानंद कॉलेज में अलग ग्रेड बन रही है, जी कॉलेज में अलग ग्रेड बन रही है, किसी दिलहर में या जलालाबाद में जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर अलग अलग ग्रेड बन रहे थे। तो अब एक बड़ी चीज़ जाएगी कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी, वो टेस्ट करेगी एडमिशन के बारे में। कॉलेज के जो एडमिशन होंगे वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, CAT जिसको आप बोलते हो, और ये जो ग्रेजुएशन है वो 3 और 4 वर्ष की ड्यूरेशन के हो जाएंगे। ये इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट होगा कि आप किसी भी स्तर पे आप इसमें एंट्री ले सकेंगे और किसी भी स्तर पे आप उसको छोड़ के जा सकेंगे। ये अगर चर्चा हुई होगी तो आप इसको समझते होंगे, नहीं चर्चा हुई है तो इसमें मैं जल्दी से बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि 1 साल में अगर आप कोई कोर्स छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में अगर आप छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में छोड़ेंगे तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी, अगर 4 साल पढ़ने के बाद आप छोड़ेंगे तो रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ डिग्री मिलेगी, और फिर 1 साल का अगर आप MA कर लेते हैं तो आप PhD में आपका दाखिला मिल जाएगा। इसी के साथ एक एकेडमिक बैंक का क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट लाया गया है, उसमें यह है कि जहाँ पर आप जैसे मान लीजिए आपने 2 साल का कोई कोर्स किया तो वो आपके अकाउंट में वो उसके पॉइंट क्रेडिट हो जाएंगे, और जब कभी दोबारा से आप एडमिशन लेंगे 3rd ईयर या 4th ईयर में तो वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और वो आपके अगले वाले कोर्स में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से कुछ चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। इसके बाद कुछ इस पर फोकस जरूर करना चाहेंगे कि जो हम लोग अभी बात कर रहे थे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में, उसमें दो चीज़ें शामिल, दो फ्रेमवर्क बनाए गए, 1 0 से 3 साल का और 3 से 8 साल का। इसमें जो एजुकेशन होगी, जो अधिगम जिसका जिसकी चर्चा की गई है, उसमें कला को, आर्ट को शामिल किया गया है, कहानियों को, कविताओं को, खेल को, गीत को शामिल किया गया है। मैंने शुरू में कहा था कि ये जो 0 से 1-2 साल से पहले की जो एजुकेशन होगी जिसको आप प्री नर्सरी कहते हैं वो थ्रू आंगनबाड़ी प्रशिक्षित आंगनबाड़ियों को और जो टीचर्स हैं उनको शामिल किया जाएगा। वाला मटेरियल है उसमें ट्रेनिंग का, तो टीचर्स के लिए